पंजाब रोडवेज का हो रहा है मंदा हाल, ड्राइवर का भी पिया होया कार। 160 करोड़ रुपए का हुण तक का वित्तीय घाटा पंजाब रोडवेज सह चुकी है। 160 करोड़ होर च मैं 200 करोड़ रुपया जोड़ रहा। तो सोचोगे कि 200 करोड़ रुपया होर कादा जोड़िया जा रहा। तो दस दें कि पंजाब के तकरीबन 18 डिपू ने, बस के 18 डिपू अड अड जिलों के उत्थे तकरीबन जो पंजाब रोडवेज की या पन बस की मिला के गल करिए 1898 बसा, जिस विचों केवल 1360 बसा फिलहाल सड़क पर चल रही ने। तो चंगी भली बसा जी चल सकदियां ने, लेकिन फिर भी अजिहियां 538 बसा डिपो ते खड़िया ने। ड्राइवर नहीं है, रूट नहीं है, चल नहीं रही। 54 लाख रुपया 538 बसा का 54 लाख रुपया एक दिन का नुकसान हो रहा। जिले इकट्ठे कर सकते सी पैसे वो नहीं हो रहे। तो जे इनू आपां 30 नाल गुणा करके फिर 12 नाल गुणा कर लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपया बनता। 160 करोड़ रुपया ऑलरेडी वित्तीय घाटा, 200 करोड़ रुपया जिला आपां जान बुझ के खराब कर रहे हैं। और इत्थे गल उही आ जांदी है कि पंजाब सरकार कर की रही है। पहला अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कांग्रेस वेले हुंदे सीगे ट्रांसपोर्ट दे, उन्होंने बड़े फोटो खिचाणियां बसां ते चढ़ चढ़ के ललकारे मारने। उही काम आम आदमी पार्टी वाले लालजीत सिंह भुल्लर हुणी उही काम फोटो करा लिया, बसां चढ़ गए, टौर दिखा ली। लेकिन गल फिर उही है कि गल पैसों की है, गल रेवन्यू इकट्ठा करन दी है। भी क्यों की गल आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ गवर्नर नाल शब्दी जंग, जां इन्हां दे जिहड़े डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उन्हां दे हक च नारे, यही कम्मां नूं रह गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला काम है जिहड़ा वह पंजाब दे वल ध्यान देना है। पंजाब रोडवेज जे आपां अपने गुआंढी राज हरियाणे की गल कर लिए, उत्थे बसां सारियां सरकारी चलदियां, पर अपने पंजाब च प्राइवेट बसां नूं धड़ाधड़ लसेंस मिले हुए ने, रूट मिले हुए ने। कोई गल नहीं, होने चाहिए ने। लेकिन जे आपां सरकारी बसां की गल करिए, पन बस की पंजाब रोडवेज की गल करिए, ड्राइवर तक भर्ती नहीं किए जा रहे। ड्राइवर की जो यूनियन होंदी है, इन्होंने एक बार केस फाइल कर लिया सी कि 28 बंदे आउटसोर्सिंग के राही तुसीं भर्ती किए हैं। 1300 तो ज़्यादा अपने ड्राइवर ते क्लीनर हले पक्की भर्तियां मंगते पे हैं। गल फिर उही है कि 1898 बसा ने जिहड़ी चल सकदियां ने, 1360 बसा चल रही ने, 538 बसा 18 डिपुआ ते बिना ड्राइवर दे ड्राइवर लैस होकर खड़िया हुई ने। 160 करोड़ का घाटा पै चुका है अते 200 करोड़ का हर साल, जां लास्ट एक साल की गल करिए घाटा पिया 538 बसा का 54 लाख रुपए प्रति दिन के हिसाब न, इंटू 30 इंटू 12 करके तकरीबन 200 करोड़। सो हुण तक 360 करोड़ का घाटा, ड्राइवर फिर पक्के भर्ती नहीं, आउटसोर्सिंग वालों का फिर कलेष पिया होया। इधर आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान को ध्यान देने की लोड़ है। उंज वैसी जी लेडीज़ है ने, उन्होंने टिकट पंजाब च फ्री है। सो वैसी घाटा पंजाब रोडवेज़ में पै रहा, लेकिन वो चाहे सबसिडी के राही चाहे किसी होर स्कीम के राही पंजाब सरकार इधरों उधरों उन्होंने पूरा करती होगी। लेकिन गल फिर उही है कि चंगी भली कंडीशन चलन योग 538 बसा क्यों नहीं चलाईया जा रही। पंजाब रोडवेज़ में लखा रुपए का हर रोज़ का घाटा, या 200 करोड़ रुपए का प्रति साल का घाटा पंजाब सरकार क्यों पवा रही है? लालजीत सिंह भुल्लर इस वल ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सो असी भी अपील करांगे कि हुण पंजाब रोडवेज़ नूं भी जागना चाहिए, सरकार नूं पंजाब रोडवेज़ की बांह फड़नी चाहिए है, ताकि पंजाब रोडवेज़ भी हुण दूजी ट्रांसपोर्ट कंपनियां वांगू जां अपने गुआंढी राज्यां वांगू तरक्की कर सके, दोबारा सड़कां ते आ के पहला पा सके। अजे होर अपडेट्स लई जुड़े रहो लुधियाणा लाइव न्यूज़ दे नाल।